गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रंजन जसवाल। इससे पिछले चैप्टर में आप लोगों को स्क्वायर की कुछ ट्रिक्स बताई गई थी और मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन की सारी ट्रिक्स बता दी गई है। आज आप लोगों को एक चैप्टर पढ़ा जाएगा जिसका नाम है लॉगरिथम्स लघुगणक, जो कि बीटीसी के थर्ड सेमेस्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे कॉम्पिटिशन में, चाहे एस एस सी हो गया, चाहे टेट हो गया, चाहे रेलवे वगैरह हो गया, इसके क्वेश्चन कुछ ना कुछ दे देता है। ठीक है, तो लॉ को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, तो आज उस चीज को हम लोग जानते हैं, उसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग आप जल्दी से अपने दोस्तों को इन्वाइट कर दीजिए, लिंक ग्रुप वगैरह में स्टेटस वगैरह में शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चे क्लास में आ जाए। ठीक है, तो आज की जो क्लास है लघुगणक की, वो लोग स्टार्ट करते हैं। जानते रहिए, लॉग को इस तरीके से लिखा जाता है जिसका बेस हमेशा ई माना जाता है। क्लियर है, बेस हमेशा ई माना जाता है। क्लियर है, जानते रहिए। पर्टिकुलरली केवल ई की वैल्यू 2.71 होती है, बहुत कम बच्चों को पता होता है, जानते रहिए। पर्टिकुलरली ई की वैल्यू 2.71 होती है। आते हैं लॉ के कुछ रूल पे, ये नोट किया रहेगा। लॉ के कुछ फॉर्मूले होते हैं, पहले वो मैं फॉर्मूले समझा दे रहा हूँ आप लोगों को, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे उसके बेस पे। ठीक है, देखिए पहला फॉर्मूला होता है लॉग, अगर कुछ नहीं लिखा है तो भी बेस ई माना जाता है। क्लियर है, अगर नहीं लिखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं, अगर नहीं लिखा तो भी बेस ई माना जाता है। पहला फॉर्मूला कहता है लॉग एम इंटू एन बराबर, अगर ऐसे है ये फॉर्मूला टूटता है, लॉग एम प्लस लॉग एन। क्लियर है, लॉग एम इंटू एन बराबर लॉग एम प्लस लॉग एन। उल्टा भी होता है, अगर ऐसे लिखा है तो उसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है, पहला फॉर्मूला है ये। दूसरा फॉर्मूले पे आते हैं हम लोग, दूसरा फॉर्मूला ये कहता है log m by n बराबर, अगर m by n है ये फॉर्मूला टूटता है, log m minus log n। क्लियर है, जानते रहिए। ये कॉम्पिटिशन लेवल में शॉर्ट ट्रिक्स के रूप में यूज करने के लिए यूज किया जाता है और बीएससी फर्स्ट ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री में भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि मैंने पिछली बार आप लोगों को पढ़ाया था, बीएससी वाले बच्चे जानते हैं, जानते रहिए, उसमें भी काम आएगा। थर्ड होता है अगर log की पावर m टू द पावर n हो तो ये पावर आगे आ जाती है, तो फॉर्मूला बनता है n log m। क्लियर है, n log m। ठीक है, और एक चौथा जानते रहिए, अगर यहाँ पे बेस e हो और यहाँ पे भी e आ जाता है, या फिर यहाँ पे बेस 10 हो यहाँ पे 10 आ जाता है, अगर ये दोनों चीजें सेम हो जाती है, जो कि बेस और जो ये वैल्यू हो, अगर ये दोनों सेम हो जाता है, उसका मान एक होता है। जानते रहिए, उसका मान एक होता है। ये चार फॉर्मूले नोट कर लीजिए, तो चारों पे चलिए मैं एक एक एग्जांपल नोट बता दे रहा हूँ। ये चारों फॉर्मूले आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, मैं चारों पे एक एक एग्जांपल बता दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, इसका एग्जांपल लेते हैं, पहले लॉग एम इंटू एन का एग्जाम्पल लेते हैं, यही ले लेता हूँ लॉग एम इंटू एन का एग्जाम्पल। जैसे दिया गया हो लॉग सिक्स, अच्छा पहले एक काम कीजिए, पहले फॉर्मूला नोट कर लीजिए आप लोग, तब मैं सारे एग्जांपल समझा दे रहा हूँ, क्योंकि इसकी वैल्यूज मुझे बतानी पड़ेगी कि वैल्यू कैसे निकलती है। फॉर्मूला आप लोग एक बार नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी सब लोग क्लास में रहे, कोई बात नहीं। गुड इवनिंग एवरीवन अगेन। क्लियर है, नोट हो गया होगा। आते हैं हम समझाने पे, क्वेश्चंस पे आते हैं। नीचे के तीन फॉर्मूले मिटा दे रहे हैं, वो आप लोगों को याद रहेंगे, पहले इन दोनों को बता देते हैं, इन दोनों के बेसिक में। इन चार फॉर्मूलों को जानने के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों का जानना log 2, log 3 और log 5 की वैल्यू जानना, क्योंकि ये सबसे ज्यादा यूज होती है। जानते रहिए, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। क्लियर, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। log 3 की वैल्यू होती है 0.4771। क्लियर, 0.4771। और log 5 की वैल्यू होती है 0.698। क्लियर, ये तीन वैल्यू आप लोग कंफर्म याद रखिएगा, मुजवानी रखिएगा, तभी आप लोगों को क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने में आसानी होगी, वरना बहुत सारी दिक्कतें आ जाएंगी इस लॉग को सॉल्व करने में और लॉग को पढ़ने में। क्लियर है, तो ये तीन वैल्यूज भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
ताकि आप लोगों का क्लियर रहे ये वैल्यूज। नोट हो क्या होगा, देखिए जानते रहिए, लॉग टू की वैल्यू होती है 0.3010, लॉग थ्री की वैल्यू होती है 0.4771 और लॉग फाइव की वैल्यू होती है 0.698। ये वैल्यूज आप लोग जमान पे रखेंगे, आप लोगों का आंसर आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, आते हैं हम लोग एग्जांपल्स पे, सारी वैल्यूज को समझाते हैं। आते हैं पहले एग्जांपल पे, जो पहला एग्जांपल अभी आप लोगों ने पहले फॉर्मूले के एग्जांपल पे ले लीजिए, लॉग सिक्स। क्लियर है? अब हमें लॉग सिक्स की वैल्यू तो नहीं पता है, लेकिन हम लोग निकाल सकते हैं कैसे। लॉग सिक्स को आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, log 2 into 3, clear है? 2 3 6 होगा, और अभी भी आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा था log m into n बराबर था log m plus log m, तो आप लोग इसको लिख सकते हैं log 2 plus log 3, clear है? आसानी से लिख सकते हैं, और log 2 की वैल्यू पता है आपको क्या होती है, 0.3010 जो कि आप लोगों को दिख रहा है, और log 3 की वैल्यू होती है 0.4771, clear है? जोड़ दीजिए 101 7 1 8 7 0 7 4 3 7, तो आपकी log 6 की वैल्यू क्या आ गई, 0.7781। इस तरीके से भी आप लोग log के थ्रू ही log का यूज करके कई सारी log की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है? नोट डाउन कर लीजिएगा। नोट डाउन कर लीजिए इसे, फिर मैं आगे बहुत सारे लॉग के क्वेश्चंस बता दे रहा हूँ इन्हीं फॉर्मूले के बेसिस पे कि कैसे किस फॉर्मूले का कब यूज करेंगे। क्लियर है? नोटों क्या होगा, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। एक दो एग्जांपल मैं और समझा दे रहा हूँ, तब मैं आता हूँ लॉग सेकंड वाले फॉर्मूले पे। नोट क्या होगा, सेकंड एग्जांपल बताते हम लोग। एग्जांपल आप लोगों का दिया गया लॉग 30 दिया है, क्लियर? लॉग 30, अब लॉग 30 को लिख क्या सकते हैं, याद रखिए लॉग 6 इंटू 5 लिख सकते हैं। लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, अभी मैं सारे तरीके समझाऊंगा कि कैसे आप जल्दी निकाल सकते हैं, वो भी मैं समझाऊंगा, बट अभी नॉर्मली समझा रहा हूँ। देखिए लॉग 6 इंटू 5 क्या लिख सकते हैं, लॉग 6 प्लस लॉग 5, क्लियर है? लॉग 6 को आप क्या लिख सकते हैं, लॉग 2 इंटू 3, लॉग 2 इंटू 3 प्लस लॉग 5 की वैल्यू आपको पता है 0.698, क्लियर? और log 2 को फिर से आप लोग लिख सकते हैं, भी आपने वैल्यू निकाली थी, बट वैल्यू हम लोग भूल चुके हैं, और ये क्या है 0.698, क्लियर है? और log 2 की वैल्यू आपको पता है 0.3010, इसकी होती है 0.4771 प्लस इसकी है 0.698, जोड़ दीजिए आप लोग, आप लोगों को आंसर मिल जाएगा आपका। ठीक है, जोड़िए आंसर, आंसर जोड़ के निकाल कितना है, ध्यान से देखिए 1 और 0 मिलके 1 हो गया, 9 7 16 16 1 17 के 7 कैरी 1 आई, 6 1 7 नहीं 9 सॉरी माय मिस्टेक 8 7 15 होगा, 15 1 16 होगा, माय मिस्टेक सॉरी 16 होगा ये, फिर जुड़ेंगे हम लोग 9 9 7 16 16 का 1 ये जो कैरी है 17 का 7 1 कैरी आएगा, 6 1 7 7 4 11 11 3 14 14 का 4 लिखेंगे और आगे पॉइंट लगा देंगे, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1.4771, क्लियर? 1.4771 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर, नोट डाउन कर लीजिएगा इसे, 1.4771 ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है?
अभी मैं इसको दूसरे मेथड से भी करना बता दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर रहे कि दूसरा तरीका क्या होगा इसको करने का। दूसरा मेथड मैं समझा दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए इसे। नोटो क्या होगा, देखिए दूसरा मेथड इसे कैसे कर सकते हैं। दूसरे मेथड से और जल्दी निकल जाता है ये। सेकंड मेथड जानने के लिए आप लोगों को बस एक चीज जाननी रहेगी कि log 10 की वैल्यू 1 होती है। इसके लिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि log 10 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो जानते रहिए, log 30 को लिखने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है, log 3 × 10। आप ये भी लिख सकते हैं कि 10^30, ये भी एक तरीका 10^30 लिखने का। और हमें पता है log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इसे वैसे तोड़ दीजिए फॉर्मूले से, ये क्या बनेगा, log 3 प्लस log 10, क्लियर है। और log 3 की क्या होती है, 0.4771, और log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, 1.0000 कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि दशमलव के बाद 0000 लगाने का कोई मतलब नहीं होता, कोई फर्क भी नहीं पड़ता। अब ध्यान से जोड़िए, देखिए 1 वैसे उधर जाएगा, 7 वैसे उधर जाएगा, 7 वैसे उधर जाएगा, 4 वैसे उधर जाएगा, और 1 आ जाएगा। ध्यान से देखिए, इस तरीके से भी वही आंसर आ रहा है 1.4771, जो कि पिछले तरीके से आ रहा था। तो अगर आपको तरीका आता रहेगा तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, आपको मन में ही कैलकुलेट हो जाएगा कि log 10 की वैल्यू 1 होती है, 1 के log 3 की वैल्यू जोड़ेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये भी एक मेथड है करने का, सेकंड मेथड है ये, सेकंड मेथड। और वो भी एक मेथड था करने का कि उसे लॉन्ग मेथड कहेंगे, इसे स्मॉल मेथड कहेंगे, ठीक है। तो ये भी आप नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं 2-3 क्वेश्चंस आप लोगों को करने के लिए दूंगा, पहले मैं लेकिन वाला फॉर्मूला समझा दूंगा, log m माइनस log n, क्लियर है, नोट डाउन कर लीजिएगा। नोट क्या होगा आप लोगों का, समझ में आ रहा है, ठीक है। एक बार कमेंट कर दीजिएगा आप लोगों की क्लास आप लोगों को कैसी लग रही है, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लोग सेकंड फॉर्मूले के इलेबरेशन पे आते हैं। जैसे ध्यान से देखिए, क्वेश्चन देते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, दिया है log 70 डिवाइडेड बाय, ऐसे लिया माइनस, देख लीजिए माइनस log 2 दिया, क्वेश्चन दिया है log 70 माइनस log 2, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, log m माइनस log n बराबर, फॉर्मूला था log m बाई n, तो log m बाई n करेंगे तो 70 बाई 2 हो जाएगा, क्लियर है। 70 बाई 2 करके कितना आ जाएगा, log 35 आ जाएगा, क्लियर है। log 35 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई के रूप में log 7 × 5, क्लियर है, log 7 × 5। अब हमें देखिए log 7 की वैल्यू नहीं पता, बट log 5 की वैल्यू पता है, पहले से फॉर्मूले से तोड़ लीजिए log 7 प्लस log 5 में, क्लियर है, log 7 प्लस log 5 में। अब हमें बस दोनों की वैल्यूज पुट करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा, क्लियर है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ध्यान देखिए, log 7 की वैल्यू आप लोगों की क्या होती है, 0.8450, याद रखिएगा, अगर नहीं लिखा है तो नोट डाउन कर लीजिएगा, log 7 बराबर 0.8450 इसकी वैल्यू होती है, मैंने लिखना भूल गया था। और log 5 की वैल्यू आपको पता है, सामने आपके लिखा है 0.698, पर दोनों को जोड़ दीजिए, ध्यान से कि 0 उतर जाएगा, 8513 के 3 कैरी 1, 9413114 के 4 कैरी 1, 6814 और एक कैरी था 15 का 5 कैरी 1 जो गया था, आंसर क्या हो जाएगा 1.5430, नोट डाउन कर लीजिएगा।
अभी ये पहला एग्जांपल था, अभी मैं एक और एग्जांपल से इलेबरेट कर दे रहा हूँ क्वेश्चन को, ताकि आप लोगों का फॉर्मूला क्लियर हो जाए। क्लियर है? नोट डाउन हो गया होगा आप लोगों का? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं हम लोग। एक काम कीजिएगा, आप लोग इस वैल्यूज को याद कर लीजिएगा, ये वैल्यूज याद रहेंगे तभी आप कंपटीशन में आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है? एग्जांपल ले लेते हैं, लॉग जैसे दिया हो 40 माइनस लॉग 2, लॉग 2 की जगह ले लेते हैं हम लोग लॉग 25, ऐसे ले लेते हैं लॉग 25, क्लियर है? ध्यान से देखिए फॉर्मूले से क्या लिख सकते हैं, इसे log 40 अपॉन 25 लिख सकते हैं, क्लियर है? log 25, 40 अपॉन 25, क्योंकि log m माइनस log n बराबर फॉर्मूला होता है log m by n, तो हमने m हमारा 40 है, n हमारा 25 है, काट देते हैं इसे, 5 से काटिए क्या हो जाएगा, ऊपर बचेगा log 8, नीचे बचेगा 5, क्लियर है? समझ आ रहा होगा आप लोगों को, log 8 अपॉन 5 हो जाएगा जब 5 काटेंगे, 5 अटे 40, 5 बचे 25, क्लियर है? ध्यान देखिए, इसे फिर से उसी फॉर्मूले पे तोड़ दीजिए, ठीक हो जाएगा log 8 माइनस log 5 हो जाएगा, क्लियर है? समझा रहा होगा आप लोगों को, ध्यान देखिए log 8 को अभी दूसरे तरीके से मैं बता रहा हूँ, नहीं पहले मैं नॉर्मल तरीका बता रहा हूँ, फिर मैं दूसरा मेथड बताऊंगा कि कैसे और कर सकते हैं इसे। log 8 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान देखिए log 4 into 2 लिख सकते हैं, सॉरी 4 into, ध्यान देखिए एक सेकंड ध्यान दीजिएगा, चलिए पहले मैं वही मेथड बता रहा हूँ, डायरेक्ट वही मेथड बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को शॉर्ट में समझ में आ जाए क्वेश्चन को करने का तरीका। ध्यान देखिए log 8 को ऐसे लिख सकते हैं log 2 का क्यूब, log 2 का क्यूब, क्योंकि 2 का 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ही आएगा, इसे log 2 का क्यूब लिख दिया। एक फॉर्मूला मैंने बताया था ना, log m की पावर n हो तो पावर आगे आ जाती है, क्लियर है? पावर आगे आ जाती है, वही फॉर्मूला मैंने लगाया। अब log 5 की वैल्यू आपको पता है, क्लियर है? कितना होता है 0.698, 0.698, क्लियर है? ध्यान देखिए पावर आगे आएगी, ये हो क्या जाएगा 3 log 2 हो जाएगा, क्लियर है? माइनस 0.698 हो जाएगा, क्लियर है? बाकी चीजें मैं मिटा दे रहा हूँ, वैल्यूज अब आप लोग याद रखिएगा। ध्यान से देखिए फिर रहने देंगे, log 2 की वैल्यू आप लोगों को पता है कितनी होती है 0.3010, ये हो गई वैल्यूज की, माइनस 0.698 रहने दीजिए, मल्टीप्लाई करिए 3 0 0 3 1 3 3 0 0 3 3 9 0.93030, ये 0.698 है। ध्यान देखिए 0 में से 0 गया 0, 13 में से 8 गया 5, 9 में से 9 गया 0, क्लियर है? और 8 में से 6 गया 2, तो हमारा आंसर क्या जाएगा 0.2050, क्लियर है? नोट डाउन कर लीजिएगा। थोड़ी तबीयत नासाज है इसलिए ज़्यादा देर क्लास नहीं चलाएंगे, तबीयत नहीं सही लग रही मुझे अपनी मेरी। 3-4 क्वेश्चन आप लोगों को और समझाते रहें, फिर उसके बाद 3-4 क्वेश्चन आप लोगों को करने के लिए देते रहें, फिर उसके बाद आज की क्लास यहीं ओवर कर देंगे। बाकी और जो लॉ के तरीके होते हैं, ट्रिक्स वगैरह होते हैं, सॉल्व करने के तरीके होते हैं, वो आप लोगों को कल समझा दिए जाएंगे। तबीयत नासाज लग रही इसलिए क्लास जल्दी ख़त्म की जाएगी आज। Thank you.
क्लियर है नोटो क्या होगा? देख लीजिए मैं एक एग्जांपल यहाँ समझा दे रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उसे क्वेश्चन दे दे, log 30 माइनस log 6 दे दे, अब क्या करेंगे, डायरेक्ट लगा देंगे फॉर्मूला log m by n, क्योंकि हम लोग जानते हैं log m माइनस log n बराबर फॉर्मूला था log m by n, ये कट के आ जाएगा log 5, और log 5 का आपको फॉर्मूला वैल्यू पता है 0.698 हमारा आंसर आ जाएगा, क्लियर है, नोट डाउन कर लीजिएगा इसे भी एग्जांपल के रूप में। क्लियर है नोटो क्या होगा आप लोगों का, समझ में भी आ गया होगा आप लोगों को? तो आपको मैं दो तीन क्वेश्चंस दे दे रहा हूँ करने के लिए, आप लोग कर लीजिए। मैं आप लोगों को दो तीन क्वेश्चंस और समझा दे रहा हूँ, फिर आज की क्लास यही ओवर करते हैं क्योंकि तबियत नहीं सही लगी, ज्यादा खराब लग रही है। एक उस फॉर्मूले पे बता दे रहा हूं, जो थर्ड फॉर्मूला था log m टू दी पावर n बराबर फॉर्मूला होता है n log m, मैं इस पे क्वेश्चंस बता दे रहा हूं, कुछ क्वेश्चन जैसे देखिए एग्जांपल दे दीजिए, लिखा हो log लिखा है जैसे 64, इसका मान निकालना आपको, तो आप डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं ये समझिए, log 64 को आप लोग क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखिए, log 4 का क्यूब लिख सकते हैं, log 4 का क्यूब, अब हमें पता है पावर क्या होती है, आगे आ जाती है, ये बन क्या जाएगा 3 log 4, क्लियर है 3 log 4, इतना क्लियर होगा आप लोगों को, ध्यान देखिए 3 रहने दीजिए, log 4 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, log 2 का स्क्वायर, क्लियर, log 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 2 फिर से आ गया, तो ये इनटू में आ गया, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, 6 log 2 हो गया, क्लियर, क्योंकि ध्यान से देखिए आप लोग, आप लोग 64 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं log 2 की पावर 6, क्योंकि अगर आप 2 का 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 करेंगे तो 2 × 4 × 8 × 16 × 32 × 64 हो जाएगा, क्लियर है, तो वैसे भी लिख सकते हैं, और आपको log 2 की वैल्यू पता है 6 × 0.3010, तो मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 0 = 6 × 6 = 6 × 0 = 3 = 18, तो 1.8060 आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर है, ये थर्ड फॉर्मूले का इलेबरेशन था, ध्यान से देख लीजिए आप लोग। क्लियर है आप लोग, समझ में आ गया होगा कि पावर n आगे लाते हैं तो कैसे सॉल्व होता है, क्लियर, मैंने समझा दिया आप लोगों को, एक क्वेश्चन मैं और समझा दे रहा हूँ, फिर बाकी मैं आपको 5-4 क्वेश्चन होमवर्क दे दे रहा हूँ, आप लोग वो होमवर्क करके कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, मैं आगे एक क्वेश्चन बता के आप लोगों को कुछ क्वेश्चन होमवर्क दे दे रहा हूँ, ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए, एग्जांपल है log 125 का मान निकालना है, log 125 का आप लोग क्या ले सकते हैं, आप लोगों को पता है ये 5 का क्यूब होता है, क्लियर, और पता है आप लोगों को पावर आगे आ जाएगी, ये हो क्या जाएगा 3 log 5, क्लियर, 3 रहने दीजिए, log 5 की आप लोगों को वैल्यू याद है 6.98 होती है,
मल्टीप्लाई कर दिया आपका आंसर आ जाएगा 3 8 24 के 4 कैरी 2 गया, 3 9 27 और 2 29 कैरी 2 गया, 3 6 18 20 पॉइंट लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा 2 0 9 4। क्लियर, नोट डाउन कर लीजिएगा। आपने क्वेश्चन नोट डाउन आपने क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा 2.094 मैंने कैसे किया समझ लीजिए। लॉग 125 था तो लॉग 5 का क्यूब लेके पावर आगे लाए 3 आ गया, लॉग 5 हो गया और 3 इनटू लॉग 5 की हमने वैल्यू पुट कर दी, हमारा आंसर आ गया। क्लियर है, मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस होमवर्क देते रहा हूँ, आप लोग कर लीजिएगा, तबीयत ज़्यादा ख़राब लग रही है, मैं क्लास बंद करने वाला हूँ, तो मैं कुछ क्वेश्चंस होमवर्क देते रहा हूँ, आप लोग करके कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चंस कर लीजिए, नोट कर लीजिए आप लोग। पहला क्वेश्चन आप लोगों का लॉग 120 की वैल्यू निकालनी है, सेकंड क्वेश्चन आप लोगों का लॉग 40 माइनस लॉग 6 की वैल्यू निकालनी है, थर्ड क्वेश्चन है लॉग 80 माइनस लॉग 15 की वैल्यू निकाल लीजिएगा और फोर्थ क्वेश्चन है लॉग 216 की वैल्यू निकाल लीजिएगा। ये चार क्वेश्चन आप लोग निकाल लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में क्या होगा कमेंट कर दीजिएगा। मैं एक बता दे रहा हूँ, लॉग 80 माइनस लॉग 15, ध्यान से लिखिए, लॉग इसे लिख सकते हैं 80/15, क्लियर है, 5 से काट देंगे तो जाएगा लॉग 16 और नीचे हो जाएगा 3, और लॉग 16 को आप लोग लिख सकते हैं ऐसे लॉग 16 माइनस लॉग 3, क्लियर है, और लॉग 16 को आप लोग क्या लिख सकते हैं लॉग 4 का स्क्वायर और पावर आगे आ जाएगी तो जाएगा 2 log 4, या फिर ऐसे लिख लीजिए 2 की पावर 4, 4 आगे आ जाएगा तो जाएगा 4 log 2 माइनस log 3। बाकी आप सब कमेंट सेक्शन में पूरा आंसर निकाल के कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, क्लियर है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्या करेंगे, log 2 का मान लिखेंगे 0.3010, 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, जो आएगा उसमें log 3 की वैल्यू 0.4771 माइनस कर देगा, ठीक है, और बाकी सारे मैंने तरीके बता दिए, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं, आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दीजिएगा ताकि मुझे पता चल जाए ये क्वेश्चन समझ में आए हैं कि नहीं समझ में आए। जब लॉग की सेकंड पार्ट में कल पढ़ाऊंगा आप लोगों को तो मैं उसमें पहले ये सारे क्वेश्चंस रिवाइज करा दूंगा कि कैसे किया जाता है, जो बच्चे नहीं देखे उनके लिए, फिर मैं नया टाइप बता दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।